अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। कश्मीर के सभी हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू, सड़कों पर दिखी चहल पहल, हालात सामान्य की ओर। दिल्ली में गृह मंत्रालय ने की घाटी में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने को लेकर तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों से की मुलाकात, कहा आतंकवाद किसी एक देश की लड़ाई नहीं, आतंकवाद से निपटने के लिए निरंतर प्रयास और सक्रिय रणनीति पर दिया जोर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, जर्मनी में भी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे एक्टिविस्ट पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे। जीएसटी विधेयक को पारित कराने वाला मिजोरम बना 13वां राज्य, जीएसटी पर गोवा विधानसभा का विशेष सत्र आज, विधेयक के क्रियान्वयन के लिए राज्य वित्त मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर जारी। भारतीय कारोबार जगत ने जीएसटी दर पर 18% की सीमा लगाने की मांग की। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश, बारिश के कारण ट्रैफिक जाम, कई जगहों पर जल भराव। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण कई विमान देरी से उड़ान भर सकते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से आज नई दिल्ली में अमेरिका के यूएसटीडीए के निदेशक लियोकादिया आईजैक ने की मुलाकात, उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र के लोगों को दी सौगात, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण का किया उद्घाटन, कहा सौनी योजना पर हर गुजराती को होगा गर्व, आने वाली पीढ़ी के लिए जल संचयन पर दिया जोर। आज अमर चित्र कथा मैगजीन से जुड़े एक प्रतिनिधि मंडल ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से की मुलाकात, स्वच्छ भारत अभियान पर अमर चित्र कथा एक विशेष अंक निकालेगा जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। केंद्र सरकार ने की न्यूनतम मजदूरी में 42% बढ़ोतरी की घोषणा, गैर कृषि कार्यों से जुड़े मजदूरों को मिलेंगे 350 रुपए रोजाना, केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर पर बोनस दिए जाने का ऐलान। सरकार ने करीब 7,500 करोड़ की लागत वाले 16 हाईवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, नॉर्थ ईस्ट में 120 किलोमीटर हाईवे परियोजना को मिली क्लियरेंस, 10 और राज्यों को होगा फायदा। मार्च 2017 तक देश में 1,00,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच सकती है ब्रॉडबैंड की सुविधा, दूर संचार मंत्री मनोज सिन्हा का बयान, डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए सी डॉट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से करेगी करार। ब्राजील की निलंबित पहली महिला राष्ट्रपति डिलेमा राउसेफ के भाग्य का फैसला आज होगा, महाअभियोग पर सीनेट में आज होगा मतदान, डिलेमा राउसेफ पर बजट में हेराफेरी का है आरोप। आतंकी संगठन आईएसआईएस प्रवक्ता और अबू बकर अल बगदादी के बाद संगठन का दूसरा ताकतवर नेता अल अदनानी मारा गया, अमाक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एलेपो में चल रही सैन्य कार्रवाई के दौरान हुई मौत। सोमालिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस के गेट के पास ट्रक बम विस्फोट, मरने वालों की संख्या पहुंची 20, 30 से अधिक घायल, अल शबाब ग्रुप ने ली विस्फोट की जिम्मेदारी। इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, पाकिस्तान को दी 169 रन से मात, सलामी बल्लेबाज हेल्स के शानदार शतक की बदौलत 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने दर्ज की एक और जीत। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से, तब तक के लिए नमस्कार।